कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इसमें तीन तरह की लेस का इस्तेमाल किया है। एक लेस चौड़ी है और दो बारीक लेस हैं जो गले पे और फ्रंट पे लगी हुई है। तो सबसे पहले आप इसकी कटिंग समझ लीजिए। फ्रंट का पीस है, इसकी चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 5 इंच है। और ये इसके साइड के पीस हैं दोनों, एक लेफ्ट और एक राइट साइड का। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं पीस, ये नीचे का हिस्सा है फ्रंट का। यहाँ पर गैदर डलेगी और ये कवर हो जाएगा। सिर्फ फ्रंट के जो सेंटर का पीस है ये उसका है, बाकी साइडों के जो हैं वो अलग पीस हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें दो तरह की ऊपर लेस इस्तेमाल की है। ये जो आप गले देख रहे हैं ये एक फ्रंट और एक बैक का है, और जो बारीक लेस है वो गले की लेस है। तो सबसे पहले आपने ये जो नीचे वाला मैंने पीस दिखाया है इसको गैदर डालनी है और इसको 10 इंच पर कवर करना है। टोटल इसकी चौड़ाई 26 इंच है और 10 इंच पर मैंने इसको कवर किया है जो सेंटर पैनल के साथ अटैच होगी। तो ये देखें मैंने 10 इंच की गैदर डाली है और ये सेंटर वाले पीस के बिल्कुल बराबर है। तो ये अटैच करने से पहले आपने सेंटर पीस पे एक लेस लगानी है। इस तरीके से लेस का जो रुख है वो ऊपर की तरफ रख के कपड़े की सीधी तरफ पे इसको कच्चा करना एक सिलाई से। और इसके बाद आपने लेस को इस तरह रखना है नीचे की तरफ और एक किनारे की सिलाई से इसको अटैच करना है। और इसको अटैच करने के बाद मैं इसको आपकी साइड की सेटिंग बता दूंगा। साइड के जो पीस हैं बॉडी के उसकी भी लंबाई मैंने ये सेंटर वाले पीस के बराबर ही रखी है 15 इंच। और इसके नीचे के जो हैं वो इसके मैंने अलग से कटिंग किए हुए हैं ये दो पीस, जो दोनों साइडों पे एक एक अटैच होंगे। रुख के हिसाब से आपने इसको अटैच करना है। और इसके बाद मैं इसके साइड वाले पीसों पर दोनों तरफ लेस लगाऊँगा। लगाने का तरीका आप देख लें मैं किस तरह लगा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोजिस ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? अगर आप न्यू फैशन आइडियाज़, कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। तो ये देखें मैंने एक पे अटैच कर दिया, अब मैं इसी तरह दूसरे पर अटैच करूँगा। दूसरा मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा। तो इस तरह अपने दोनों पीसों पर लेस को अटैच करना है आधे इंच के दबाव से। ये लेस तकरीबन 1 इंच चौड़ी है और जो दूसरी आपने मैंने दिखाई है वो गले के ऊपर लगी, वो बिल्कुल बारीक लेस है, तकरीबन आधा इंच के करीब उसकी चौड़ाई है। और इसमें तीनों जो लेस इस्तेमाल हुई है वो चिकन की लेस है जो आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। तो ये देखें मैंने इसमें एक तरफ कच्चा करने के बाद इसको दूसरी सिलाई उसी सिलाई के ऊपर लगाऊँगा जो उल्टी तरफ कपड़े में नज़र आ रही है, उसी सिलाई के ऊपर लगाना है और लगाते हुए इसको आपस में जोड़ना है। तो इस तरह आपने जोड़ते हुए नीचे तक जाना है और फिर उसके बाद दूसरा जो है वो नीचे से शुरू करना है अपने दामन से। ये देखिए एक अटैच कर दिया मैंने। अब मैं इसके राइट साइड का अटैच करूँगा दामन की तरफ से। तो इस तरह आपने दोनों पीसों को लेफ्ट और राइट साइड पे अटैच करना है। और फिर इसके बाद मैं आपको गले की सेटिंग बता देता हूँ कि गले पे आपने लेस किस तरीके से लगानी है। ये बारीक लेस है, इसकी जो आउटलाइन है वो सबसे पहले आपने कटिंग करनी है ताकि ये गोलाई पे आराम से घूम जाए, क्योंकि अगर आप ये कटिंग नहीं करेंगे तो फिर वो आउटलाइन आपको तंग करेगी। तो ये एक मैंने किनारे की सिलाई बुकरम के साथ लगाई है बिल्कुल, ताकि निशान के तौर पे पता चल जाए कि आपने सिलाई कहाँ पर लगानी है। अब देखें उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा रहा हूँ और लेस को घुमाते हुए जा रहा हूँ ताकि एक जैसी सिलाई लग जाए और जो लेस की गोलाई है वो एक जैसी शो हो। तो ये देखें मैंने लगा दिए। अब मैं इसको गला जैसे हम सिंपल बनाते हैं वैसे इसको रखना है और उसी सिलाई के ऊपर आपने इसको किनारे की सिलाई से अटैच करना है। और इसके बाद एक पैर के दबाव से इसका मैं दबाव कटिंग करके पलट के इसको प्रेस से बैठाऊंगा। अब देखें इस तरह आपने सेट करके इसके ऊपर प्रेस करनी है। तो ये मैंने प्रेस कर दिए और ये गले का लुक देख लें आप आपके सामने। और इसके बाद ये बैक का गला है, इसकी भी चौड़ाई मैंने सेम फ्रंट के गले के हिसाब से रखी है। इसके बाद आपने बैग का गला बनाना और
फिर शोल्डर की सिलाई लगा के मैं इसको आपको आस्तीन का तरीका बता देता हूँ कि मैंने उसमें किस तरह लेस लगाई है। दामन पे भी लगाने का तरीका बिल्कुल वही है, सेम वही तरीका है, बस दामन पे जो मैंने लेस लगाई है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। तो ये फ्रंट और बैक का जो हिस्सा है वो रेडी हो चुका है, और ये इसकी आस्तीन है। आस्तीन को आपने इस तरह सीधा रखना है, प्रिंट जो है ऊपर की तरफ आपने सीधा रखना है, और इसके ऊपर देखें लेस मैंने किस तरीके से रखी है। लेस का और प्रिंट का सीधे से सीधा आपने मिला के रखना है। ये जो आप लेस देख रहे हैं ऊपर वाली साइड उल्टी है, अब ये टर्न होके बैक साइड पे जाएगी तो सीधी वाली जो साइड है वो शो हो जाएगी आपकी सीधी तरफ। ये देखिए यहाँ आस्तीन में मैंने इस तरीके से लगाई है, और दामन पर ये लेस लगाई है मैंने चौड़ी। ये दामन का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, और ये इसके फ्रंट का हिस्सा है। तो फाइनल लुक आपके सामने आ चुका है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।